और राइट, सो पुराना कीबोर्ड फेंकने का समय आ गया है। पीसी का कीबोर्ड नहीं, अपने मोबाइल फोन का कीबोर्ड, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आप लोग भी यही घिसा पीटा कीबोर्ड ही यूज करते होंगे, मुझे पता है। लेकिन अब बारी है हमको एंड्रॉइड फोन के अंदर iOS कीबोर्ड की, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे कि iOS कीबोर्ड देखने में और यहाँ पे टाइपिंग करने में कितना ज्यादा कूल लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो साउंड आता है टिक टिक टिक, जो कि ये साउंड का मज़ा हमको एंड्रॉइड फ़ोन में भी चाहिए और ये कीबोर्ड का मज़ा हमको एंड्रॉइड फ़ोन में भी चाहिए। और हाँ गाइस, इसके अंदर iOS इमोजी भी काम करेंगे, लेकिन कैसे काम करेंगे उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपको तो पता ही है इसके क्या क्या बेनिफिट है iOS कीबोर्ड को यूज़ करने के, क्योंकि इसका साउंड और इसके इमोजी बहुत ही ज़्यादा कूल लगेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहना। तो सिंपली आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नेक्स्ट करने का आएगा, वो यहाँ पे नेक्स्ट 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 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको डन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इनेबल करने का आएगा, सिंपली आपको उसे इनेबल कर देना है। उसके बाद गो टू सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने का आएगा, तो सिंपली उस पर टैप करना है और यहाँ पे iOS स्टाइल इमोजी पे टैप करके डन कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करने का आएगा, तो वहाँ पे आपको तो पता ही है इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थीम का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम मिल जाएंगे, कलरफुल भी मिल जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट भी मिल जाएंगे, नॉर्मल भी मिल जाएंगे। मुझे पर्सनली नॉर्मल अच्छा लगता है, तो यहाँ पे सिंपली नॉर्मल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डन कर लेंगे। उसके बाद नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली वहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं सीधा इंस्टाग्राम में, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम में ये ट्रिक वर्क नहीं करा, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इंस्टाग्राम में कैसे ये ट्रिक वर्क करेगा विद iOS इमोजी। तो सिंपल इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं और यहां पे कोई भी रील या फिर कोई भी स्टोरी आपको ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहां पे कर लिया है। अब यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि iOS इमोजी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा और iOS का कीबोर्ड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे टक 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 साउंड है ना, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी के लिए मैंने ये कीबोर्ड डाउनलोड किया है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्टोरी तो ऐड कर लिया, उसके बाद कीबोर्ड में जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अरे भाई क्या साउंड आ रहा है, मज़ा आ गया भाई। तो ये साउंड भी आप लोग अपने कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे iOS इमोजी, तो सिंपल इमोजी वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो iOS इमोजी में यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो iOS इमोजी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन 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 रुको गाइस, iOS इमोजी आपके फ़ोन में भी कैसे वर्क करेगा ये एक बार कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना, चेक कर लेना कि iOS इमोजी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो आपको एंड स्क्रीन में दो वीडियो मिल जाएगा, वो दो वीडियो आप लोग चेक करके iOS इमोजी अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे ले जाओ, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, मिल जाएगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।